ये सत्र अभी हम लोग भजन श्रवण कर रहे थे और एक साधक जो गुजरात से आए हैं चमन जी, उनके अनुभव भी। अब हम जो यहाँ साधना में आए और ख़ास करके युवा साथी, एक तो युवाओं को समय नहीं रहता, दूसरी बात है मन भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी समय निकाल करके यहाँ आए, साधना में बैठे, 7 दिन तक के यहाँ के नियम का पालन किए, उन्होंने जीवन में क्या अनुभव किया, क्या उनको परेशानी आई, क्या वो महसूस किए, क्या उनको अच्छा लगा, इस पर हम उनके विचार, उनके राय जानना चाहेंगे। आए पहले भूमिका साहू। हाँ, आपके क्या ना, हाँ जो मोनिका, नोमिका, अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक, बोलो बोली 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 के बाद। अपने जो अनुभव है, जो कुछ आपने महसूस किया, उसको शेयर करिए। साहेब बंदगी साहेब, सदगुरु कबीर साहेब की जय। मेरा ये ध्यान शिविर का 2रा साल है। मैं सबसे पहले 2021 में आई थी। उस टाइम मेरे को ध्यान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, पर यहाँ आके बहुत सारा अनुभव प्राप्त हुआ। मेरे पापा कहते थे ध्यान शिविर में जाया करो, जाना चाहिए, तो उस टाइम मैं चलो चली जाती हूँ करके आई थी, ताकि यहाँ से कुछ नया नया सीखने को मिले मुझे और साधु संतों की संगत में कुछ नया सीखने को मिले। तो उस टाइम ध्यान के बारे में तो पता नहीं था, मेरा मन भी नहीं लगता था। धीरे धीरे मेरा मन लगना शुरू हुआ, ध्यान भी अच्छे से लगना शुरू हुआ। फिर या दूसरे साल भी मेरा मन किया कि यहाँ आऊँ, तो फिर यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता था, बहुत शांतमय माहौल था, ऐसा माहौल नहीं मिलता था कहीं। तो ये शांत माहौल में ध्यान भी अच्छे से लगता था, मैं घर में भी जाके प्रैक्टिस करती थी, ध्यान लगाती थी तो अच्छे से लगता था, पर धीरे धीरे मैं कम कर दी थी ध्यान लगाना, तो उतना कम कर दी थी तो फिर उतना ध्यान नहीं लग पाता था। तो फिर इस साल यहाँ आके और मेरा ध्यान अच्छे से लगने लग गया, और मैं घर जाके और अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी आगे भी। आप सब भी ध्यान लगाए कीजिए। एक छोटा सा भजन है, मैं गान की थोड़ा सा छोटा सा लाइन। जो बच्चे समय लेकर के आते हैं, एक तो पढ़ लिख रहे हैं, बीजी समय रहता है उनका, उसमें से टाइम लेकर के आते हैं और 7 दिन तक के बैठे ध्यान की, बहुत बड़ी बात है। मोनिका भोरिंग से हैं, आप भी आए। सब लोग अपने विचार ही देना है, भजन तो बहुत हो चुका है। हाँ बोलिए। सदगुरुदेव की जय, कबीर साहेब की जय। इस बार ध्यान शिविर में पहली बार आई हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लता साहब ने बताया कि एक बार चल के देखिए क्या महसूस होता है, क्या सीख मिलती है, क्या गुण मिलती है, इससे क्या सीख होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं पहले बार आई हूँ तो, और बहुत संत भक्तों और साध्वी सबसे पहचान हुई, ज्ञान हुई, सब लोग कुछ कुछ ज्ञान के बातें बताए,
और सब लोग अच्छे से प्रेरणा दी। साहेब बंदगी साहेब। कभी माइक के पास में आए नहीं रहते हैं, लेकिन इतना साहस करके कुछ कह रहे हैं, धन्यवाद है। आगे मिनित साहू बक्तरा, बक्तरा से हैं। अच्छा, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैं साप्ताहिक धाम शिविर में सबसे फर्स्ट बार आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये धाम शिविर में। दो दिन तक तो मेरे बच्चे के याद है, छोटे छोटे बच्चे हैं करके। फिर धीरे धीरे मैं अच्छे से बैठा, फिर आज तो और एकदम अच्छा लग रहा है साहेब। देखो भाई, मन कहाँ कहाँ खींचता है, बच्चों को, छोटे बच्चों को छोड़ कर के आए हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसके बाद भी बढ़िया से, मतलब चार मीटिंग यहाँ व्यवस्थित रूप से बैठती थी, और उसके बाद में जब वहाँ सेवा का अवसर होता था सेवा में भी जाती थी। धन्यवाद है। कल्याणी गाता पार्स, कल्याणी है सेवा में। अब मैं साथियों से, राजकुमार जी बिलारी, युवा साथियों से, राजकुमार का भरत कुमार। अच्छा, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की जय। पूज्य गुरुदेव, वंदनीय संत समाज और सम्मानीय मेरे साधकगण, मैंने जो पढ़ाई है बचपन की, उसे सरस्वती शिशु मंदिर में किया है। वहाँ एक सदाचार पाठ्य पुस्तक होती थी, उसमें गुरुकुल की जो बारे हैं उसके बारे में बताते थे कि गुरुकुल में जो विद्यार्थी होते हैं वो किस प्रकार पढ़ाई करते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। जो गुरुकुल में बच्चे विद्यार्थी होते हैं वे नित्य सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और अनुशासन में रहते हैं, और जो भी काम है अपना खुद स्वयं करते हैं। मतलब वहाँ जो बच्चे रहते हैं वे बहुत ही स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और बहुत ही मेधावी होते हैं, ये मैं जानता था, लेकिन उसको कभी अनुभव नहीं किया था। बस सुनने में, पढ़ने में आया था। लेकिन जब यहाँ मैं आया तो मुझे पता चला कि वाकई में जो है गुरुकुल में पढ़ाई होती है वो वास्तविक सच है, और मैं अनुभव किया। यहाँ आया तो पहले मैं बहुत ही एकदम कमज़ोर था, क्योंकि सुबह बहुत लेट से उठता था और रात को बहुत देर से सोता था। लेकिन जब यहाँ सुबह उठा, योगा किया, ध्यान किया, इससे मेरे शरीर में बहुत ही एनर्जी आई, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही पर आलसी था मैं, ड्यूटी भी ज़्यादा था, बहुत कमज़ोर था, लेकिन अब इतना एनर्जी आ गई शरीर में मेरी, बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी बात मोबाइल की, पहले मोबाइल में बहुत ही लत हो गया था मेरा, मोबाइल छूट ही नहीं रहा था। लगभग 4 साल हो गए मुझे मोबाइल चलाते हुए, एक दिन भी मोबाइल के बिना मैं रह नहीं सका। लेकिन यहाँ एक सप्ताह से बिना मोबाइल के रहा, इनसे मन में बहुत ही शांति आई और बहुत ही अच्छा लगा, मोबाइल से जो लत था वो छूटी। और तीसरी बात, मैं बहुत ही बोलता था, जो यहाँ आकर बहुत ही कम हुआ, और जो नहीं बोलने से कितना मन में शांति मिलती है वो आनंद मैंने महसूस किया सच में। बस साहेब जी, साहेब बंदगी साहेब। तालियों से स्वागत। बहुत अच्छी बात, सबका अनुभव होगा मोबाइल के बिना जीना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कहीं ऐसे ही कहे कि आप 10 दिन मोबाइल नहीं छूना है तो कितना आप सोचेंगे बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन कम से कम यहाँ 6 दिन तक मोबाइल जमा करके रहे,
आप जीवन में एक संकल्प ले लीजिए कि रोज तो आपके पास में रहता है मोबाइल, लेकिन कम से कम 10 से 12 घंटा आप उसको अपने से अलग रखेंगे या स्विच आप फ्लाइट मोड में रखेंगे। आप जितने भी आजकल नए नए संसाधन आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, इससे फायदा तो है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए इसमें संयम की आवश्यकता है। कल भी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार मोबाइल का दुरुपयोग करके आज युवा वर्ग गलत दिशा में जा रहा है। इस पर आप लोग चिंतन मनन करें और कम से कम मोबाइल का उपयोग करें, और जब जो भी उपयोग हो सदुपयोग हो इसका ख्याल रखेंगे। पंकज साहू बख्तरा आए, सब नए नए उम्र के बच्चे हैं और पहली बार यहाँ भाग लिए हैं, इसलिए हम इन लोगों का ही अनुभव जानना चाहेंगे। बोलिए सत्य कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मुझे एक दो दिनों में ऐसा लगा कि मैं कहाँ फंस गया, उसके बाद लगा कि हाँ साहेब जी अच्छे बता रहे हैं, विचार आया तो लगा यहाँ अच्छा अनुभव लगा, फिर लगा कि ऐसी जीवन अच्छी होती है। साहेब जी बता रहे थे, संध्या को मिलने बोले थे, आए थे, बोले सही संगति रखना, सही लोगों के साथ रहना, और मोबाइल में देख रहे हो तो भजन सत्संग सुनिए, गलत राह पर मत चलना। मुझे यहाँ ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। साहेब बंदगी साहेब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखा युवा साथियों को, कुछ लोग मेरे से अलग से मिल रहे थे, तो मैं कहा सब के सब युवा जो हैं भाई लोग हैं यहाँ मिले तो अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे थे, और मैं कुछ कहने लगा, साहेब जी से भी चर्चा होने लगी तो उनको अच्छा लगा। और जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए संत गुरुजन का सानिध्य, सत साहित्य का अध्ययन और समय समय से आत्ममंथन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जरूरी है कि आप संतों के साथ में जुड़े रहें। हाँ, एक बहन कल्याणी वो आ गई है, उनका नाम लिया था, वो नहीं आ पाई थी, आ जाएं, अपने विचार रखें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। मैं यहाँ दूसरी बार आया ध्यान शिविर में। पहला तो मैं जानता भी नहीं था कि ध्यान शिविर क्या होता है। फिर लता साहब यहाँ हमारे यहाँ गया तो बताया, चलो बच्चों वहाँ ध्यान शिविर में जाना, सत्संग सुनना, ऐसे करके। तो पिछले बार आया तो मैं ध्यान शिविर करते समय यह अनुभव हुआ कि यहाँ से चली जाओ ऐसे करके, लेकिन दो तीन दिन यहाँ रुका तो मैं जाने का मन नहीं हुआ। फिर ना इस साल अपने मर्जी से आया साहेब बंदगी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ आने से अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं और अच्छे अच्छे ज्ञान भी मिलते हैं, बच्चों को बहुत संस्कार भी मिलते हैं साहेब बंदगी साहेब। बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं, लेकिन हिंदी में पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन बोलने की भाषा बोली छत्तीसगढ़ी है, तो छत्तीसगढ़ी में अभ्यास है। पीछे से शायद, हाँ, तो
अभ्यास बोलने का, छत्तीसगढ़ी में हिंदी बोलना होता है तो कठिन हो जाता है, लेकिन उनका भाव देखिए, ये धन्यवाद के योग्य है। एक भूमिका, भूमिका जी आई हैं, भूमिका साहू वो कहाँ हैं, आप भी आएँ अपना विचार रखें। नहीं है, पंकज जी, पंकज साहू बक्तरा से, विपुल वो भी नहीं। जब चिड़ियों ने खेत चुग लिया फिर पछताए क्या, रोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई, नादान भुगत करनी अपनी ये पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरे फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है, उठ जाग मुसाफिर पोर भई। अब रैन का जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। सतगुरु देव की साई बंगी साई। ऊपर आ जाए, इसी कड़ी में आदित्य वैष्णव कहाँ है भाई, आप भी आ जाएं और थोड़े में अपना विचार रखेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। यहाँ जितने भी बैठे संत समाज और भक्त समाज को मेरी तरफ से साहेब बनगी। तो बात आती है, जब मैं घर में था तो मेरे नाना जी मेरे को बोले कि यहाँ राज्य में एक ध्यान शिविर लगा है। तो ध्यान शिविर का नाम सुनते ही मन में ये आता है कि यहाँ के लोग मतलब सादा जीवन, कुछ मतलब नॉर्मल गाते, खाते पीते पहनते, मतलब रहन सहन एकदम सामान्य है। तो ये सुन के मन में ये आता है कि क्या जाओगे फालतू ऐसा करके, ये अपनी भाषा में। फिर मैं सोचा कि लाइफ में सब चीज़ ट्राई करना चाहिए। तो फिर जब मैं यहाँ आया तो आश्रम के बाहर जो गेट है उसके बाहर का माहौल और अंदर के माहौल में बहुत अंतर है। जैसे ही यहाँ पांव रखेंगे, यहाँ की हवा, यहाँ जो आसपास का माहौल है बहुत ही शांतिदायक है। जो सभी जगह का नहीं पता, लेकिन जो आश्रम के बगल में जो खेत है वहाँ पर जो शांति मिलती है खड़े होने से या बैठने से, वो बहुत ही आनंदमय होता है। तो यहाँ आने में मैं पांच ही दो यहाँ आने पर मैं कुछ ही चीज़ बस गिनाऊंगा जो सीखा। सरलता, सहजता, सभ्यता, संस्कार और अनुशासन, ये पांच चीज़ इस आश्रम में बहुत भर कर है। जैसे यहाँ रहने पर आसपास लोगों को देखने पर ये पता चलता है कि वो लोग कितने सभ्य सिंपल हैं, तो लगता है कि ये कैसे हो सकता है ये सब। लेकिन जैसे जैसे यहाँ रहे, 7 दिन का शिविर रहा, जैसे जैसे एक एक दिन बीतता गया उसमें पता चला कि वास्तव में इन सब चीज़ों में कुछ तो बात है। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि किसी भी आदमी में दया, क्षमा, संतोष ये भावना होनी चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए साहेब बंदगी साहेब। बहुत सुंदर आए और एक बच्ची भूमिका आई है, उनका नाम लिखवा दें। हाँ कोई बात नहीं। अर्चना बहन जो कहाँ से हैं, करेली से आप आए, अपने थोड़े में एक विचार दीजिए और एक छोटा सा भजन। आप सबको मेरा सादर प्रणाम हो। और सबसे पहले तो मैं ध्यान शिविर में पहली बार आई हूँ और सबसे पहला दिन और दूसरा दिन बैठने में इतनी तकलीफ होती थी, ऐसा लगता था कि पता नहीं ये पैर और कमर का क्या हाल होने वाला है। सबको ही ऐसा महसूस होता था। और हमारे रूम में जो हम लोग पांच थे, हम लोग आपस में बात भी नहीं कर पाते थे। यहाँ मौन रहने का तो बताया गया था, तो हम लोग सब मौन रहते थे। तो कल हम लोग सब लोग आपस में बात किए, कौन कहाँ से आए हैं और कहाँ से हैं, कितने दिन से जुड़े हुए हैं इस मिशन से, ऐसे सब कल बातचीत करके फिर हम लोग ग्रुप का फोटो लिए हैं, एक दूसरे से अपना विचार भी शेयर किए हैं। और जब तीसरा दिन हुआ ना यहाँ, तो तीसरे दिन में थोड़ा बहुत लगा कि हाँ बैठने का अभ्यास हो गया है। उसके बाद चौथा दिन, पांचवा दिन और छठवा दिन, ये तीनों दिन जो है अच्छे से बैठने का अभ्यास भी हो गया था। और छठवा दिन कल जो ध्यान करवा रहे थे गुरुजी, उस समय लगा कि आधे घंटे पौन घंटे तक बिल्कुल आँख बंद करके जब बैठने के बाद बोलते थे ना सांस का ध्यान करिए, सांस के माध्यम से ध्यान करो, और उसके बाद ऐसे विचार आते हैं, तो बीच बीच में आंख बंद के बंद करते थे ना, तब बोलते थे कि ये सब जो आप सोच रहे हो ये अभी सोचने का वक्त नहीं है। तो ऐसा लगता था, सबको लगता था ऐसे कि हम जो सोच रहे हो कैसे गुरुजी को पता चल जाता है, ऐसे करके लगता था। फिर आधा पौन घंटे के लिए जैसे अपने शून्य में चले जाओ, तो आँख बंद करने के बाद ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ। जैसे कहते हैं ना, अपने संस्कारों के जो एक जो विचार आते हैं, वो आधा घंटे के बाद ऐसे महसूस करने में लगा कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद ना फिर आँख खोल के देखी, अरे मैं तो ध्यान शिविर में हूँ। और उसके बाद लगा कि आज तो मेरा पैर भी दुख नहीं रहा है, ना कमर भी दुख नहीं रहा है। फिर धीरे से थोड़ा हिलने डुलने लगी, तब लगा कि हाँ ध्यान करने से हम सभी को ये एक अनुभव भी मिला है कि ध्यान से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और आइए एक बहुत सुंदर सा एक गाना है, सांस सांस में भरा खजाना अरे इसे पहचानो रे, सदुपयोग कर लाभ उठाओ सीख सनातन मानो रे। सांस सांस में ही हमारा ये खजाना भरा हुआ है, तो आइए हम इस जीवन का सदुपयोग कैसे करें इस भजन के माध्यम से हम सभी सुने। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है,
अरे काल के मुख से न कोई बचा है, जरा सोच ले हो, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी, हमने है भार कर दी यूं ही जिंदगी, हमने है भार कर दी, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, है संसार सागर में जीवन के नैया, है पतवार सत्कर्म सदगुरु के भैया, है संसार सागर में जीवन के नैया, है पतवार सत्कर्म सदगुरु के भैया, माया के चक्कर में हो, माया के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मछधार कर दी, जीवन की नैया है मछधार कर दी, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी, लगे अपना जीवन हो, लगे अपना जीवन सत्कर्म में, अब अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर भजन, आप गायिका भी हैं और भजन गीत गाती हैं। आए अब राजस्थान धौसा के पास से संत आए हैं रामदास जी साहेब, आए आप भी पहली बार ध्यान शिविर में भाग लिए हैं यहाँ, तो आप अपने विचार शेयर करें हम सबके बीच। थोड़े थोड़े एक बार सभी गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे जोश में और होश में।
बोलिए सतगुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। वंदनीय गुरु परख को तो बार बार कर जोर, दया करन सन से हरण संत रूप प्रभु तोर। तो बंदो सन्मुख पारखी शीश भेंट धरु हाथ, वचन उचारु बंदगी तो सत प्रेम के साथ। साहिब तू पांच तत्व का पुतला, तू मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछड़े तू विकल होत सब ठाम। कि पांच तत्व का पुतला, मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछड़े विकल होत सब ठाम। ये पांच तत्व का पुतला है, शरीर है, मानुष नाम धरे। अगर एक कला न हो तो ये कोई काम का नहीं। एक कला कौन सी है? वो है ज्ञान कला, चेतन कला। अगर मनुष्य के अंदर ज्ञान न हो, चेतना न हो, तो सब बेकार है। साईं जी का आदेश हुआ, मैं प्रवचन करता तो नहीं, वजन बांधे से बोलता हूँ, बाकी साईं जी मैं वजन नहीं बोलूंगा। मैं ध्यान के बारे में बहुत कुछ सुनता था कि भाई ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मैंने गरीब साहब का एक भजन में सुना, तू चेतन खुदा खुद आप है, धरता है किसका ध्याना। तो चेतन खुदा खुद आप है, धरता है किसका ध्याना। तो मतलब किसका ध्यान करना है। पर बाकी मैं जब यहाँ आया तो मेरे को ध्यान का काफी अनुभव हुआ, काफी बल मिला, क्योंकि ध्यान ही अपने आप में रुकने का एक साधन है। ध्यान के अलावा अपने आप में नहीं रुक सकता। बस मैं इतना ही कह करके बोलिए सतगुरु देव की जय। बहुत सुंदर। कितने लोगों में एक वहम है कि ध्यान मतलब किसी देव का, कोई ईश्वर का, किसी कल्पना का। हेलो हेलो हेलो, तो किसी का ध्यान करना, कई जगह पूछते हैं कि किसका ध्यान करना। किसी का ध्यान नहीं करना होता है। बारंबार कहा जाता था किसी का ध्यान न करना ही ध्यान है, कुछ न करना ही ध्यान है, वर्तमान में होना ध्यान है, अपने में होना ध्यान है। और एक शब्द में कहें तो ध्यान न करना ध्यान है, ध्यान न करना ध्यान है। आप कभी जब भी बैठते हैं, जो कब कुछ काम कर रहे हैं तब तो बात अलग है, लेकिन जब स्थिर होते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ ध्यान करते हैं। कहीं किसी की याद आ रही है, कहीं किसी की याद आ रही है, घर की, खेत की, दुकान की, बाड़ी की, मित्र की, दोस्त की, दुश्मन की। कहें कि ध्यान न करना ध्यान है, किसी का ध्यान न करें, बस अपने आप में ठहर जाए। ये ध्यान का असली रूप है और इस पर बहुत चर्चा हुई। जैसे साहिब जी ने कहा कि भाई उनके मन में भी थोड़ा था, लेकिन यहाँ आकर के लगा कि भाई अपने में होना ध्यान है, और यही वास्तविक ध्यान है जो सांख्य योग और कबीर साहब के सहज समाधि पर इस पर चर्चा हो चुकी है। अब यशवंत जी भी यहाँ से जुड़े हैं और मैं देखा कि एकदम कंटिन्यू रोज ध्यान करते रहे, चारों मीटिंग बैठते रहे। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने विचार हम सबके बीच शेयर करें कुछ मिनटों में। परम पूज्य साहेब जी, मंच पर आसीन पूजनीय संत समाज,
यहाँ पर उपस्थित सुश्री चंद्रकला साहेब जी, सुश्री समता साहेब, सुश्री सुमन साहेब और सभी साध्वीगण, शिविर में भाग लेने आए हुए हमारे सभी माता बहनें और भाई और हमारे बच्चे, ये जो ध्यान शिविर यहाँ पर आयोजन हो रहा है, ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। इसकी भूमिका के बारे में हमारे संतों ने, हमारे और हमारे बाप दादाओं ने बताया कि यहाँ पर नया पारा में पहले संत गुरुदेव जी अभिलाष साहेब जी के सानिध्य में ये यहाँ पर शिविर नदी के पास लगा करता था। यहाँ पर इस ध्यान की बात होती थी और ध्यान के लिए फिर ऐसी योजना बनी, कुछ भक्तों का विचार आया और आज हम उन भक्त में से श्री शंकर गौटिया जी को याद करना चाहेंगे, स्वर्गलीन हो गए हैं, कि उनके अथक प्रयास और दान से जो यहाँ पर राशि मिली और यहाँ पर ज़मीन खरीदा गया और उसके होने वाली आय से ये कार्यक्रम यहाँ आश्रम में संचालित हो रहा है, और उनका जो सहयोग है और उनकी जो भाव थी कि लोग ध्यान का लाभ लें और अपने जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उनका निवारण हो सके, इस प्रकार से हम लोग भी यहाँ पर समय समय से ध्यान पे बैठते थे। क्योंकि मैं भी यहीं रहता हूँ और अपने शासकीय सर्विस में था, तो यहाँ आश्रम में तो मुझे 15-20 साल से आते हो गया है, लेकिन बहुत सारे दायित्व यहाँ के रहते थे, उनके निर्वहन करने के कारण नियमित रूप से साधना में बैठना संभव नहीं हो पाता था। अपेक्षाएं भी संत गुरुजन की रहती थी कि आप लोकल हैं तो कुछ बाहर के काम भी करना होता था। तो इस समय संयोग से सूरत आश्रम जाना हुआ और जैसे ही सूरत आश्रम हम लोग ध्यान शिविर में अटेंड करने के लिए गए, पहली बार मेरा जाना हुआ था, वहाँ आश्रम को देख करके और आश्रम की जो लोकेशन है उसको देख करके मन आनंदित हुआ। वहाँ पे हमारे संत गुरुभूषण साहेब, जिनसे बार बार यहाँ मिलना होता था, गुरुभूषण साहेब वहाँ के प्रमुख हैं, यहाँ पर जो आज यहाँ मंच का संचालन जो साहेब जी कर रहे हैं, संत श्री विवेक साहेब जी वो भी वहाँ रहते हैं और उसके अलावा और भी संत रहते हैं। वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे, गुरुभूषण साहेब जी ने जिस ढंग से हम लोगों को वहाँ पे रिसीव किए, मन गदगद भी हुआ और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली कि हम लोग इस प्रकार से लोगों को रिसीव नहीं कर पाते। यहाँ नया पारा आश्रम में लोग आते हैं तो हमको जैसा रिसीव करना चाहिए लोगों को, जिस प्यार से और जिस मोहब्बत से और जिस आदर के साथ उनको रिसीव करना चाहिए, वो रिसीव हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली प्रेरणा यही मिली कि साहेब जी स्वयं वहाँ का संचालक होने के बावजूद भी सामान्य से सामान्य व्यक्तियों को भी किस ढंग से ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यही है कि इस बार जो शिविर हुआ उसमें अभी जितने बच्चों ने अपने शेयर किए, उसमें सब ने कहा कि मेरे दादाजी ने मुझे प्रेरणा दिया, मेरे नाना जी ने प्रेरणा दिया, किसी ने नहीं कहा कि मेरे पापा ने प्रेरणा दिया। तो पापा का रोल वास्तविक में हम लोग शायद नहीं कर पा रहे हैं, इसको विचारने की ज़रूरत है। दादा तो उस उम्र में जा चुके रहते हैं, उनका सारा अनुभव रहता है, नाना जी का अनुभव रहता है, उस उम्र में जा चुके रहते हैं, वो किए हों ना किए हों, जितना भी उनको अनुभव हुआ रहता है उस आधार पे वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को तो नहीं बोल पाया लेकिन अपने नाती को जरूर बोल सकता हूँ। और नाती और दादा में इस प्रकार का संबंध रहता है कि दादा और नाना नाती की हर बात मानते हैं, वैसे ही नाती लोग भी जो है और पोता लोग भी है दादा की हर बात मानते हैं। इसलिए इसमें से जितने लोग दादा और नाना हैं, कम से कम अपने पोते और नाती को जरूर प्रेरणा दें, और मैं समझता हूँ एक रास्ता इससे खुलेगा, ये मुझे अनुभव हुआ। विवेक साहब यहाँ पे मंच का संचालन कर रहे हैं और जिस ढंग से भी वो
करते हैं, आदमी के जो चाल चलन, घूमना फिरना, रहन सहन, बैठने के सारे लोगों को वाच करते थे और उस ढंग से अपनी बात कहते थे। गुरुदेव जी का हम सब के ऊपर बड़ा उपकार है कि इस प्रकार के आयोजन यहाँ पर नयापारा में होते रहा है। मेरा स्वयं का अनुभव की बात है कि पिछले जो शिविर मैंने सूरत में अटेंड किया, जहाँ पे मुझे अन्य दायित्वों का निर्वहन नहीं करना पड़ता था, पूरा टाइम हम लोग वहाँ पर ध्यान में जिस टाइम में रहता था बैठते थे, और हमारे और साथी लोग गए थे, तो वहाँ बैठ कर के सही में ध्यान लगा और उसका अनुभव हुआ, तो मैंने पाया। और वही अनुभव यहाँ पर भी हुआ, पूरा ध्यान लगता था, सिर्फ बैठने में थोड़ी तकलीफ थी, इसलिए बार मैं कुर्सी में बैठ कर के ही ध्यान करता था, कुछ समय नीचे भी बैठ जाता था। तो मैंने अनुभव किया कि हमारे अपने जीवन में यदि बहुत सारी परेशानियाँ हैं, यदि हम बहुत सारे लफड़े पाल के बैठे हुए हैं, बहुत सारी विसंगतियाँ हमारे जीवन में हैं, तो ध्यान नहीं लग सकता है। तो पहले ध्यान की भूमिका सीखें और वैसा पालन करें, या पहला बेस बना लें फिर ध्यान करें, वाइस वर्षा आखिरकार जैसे जो कुछ भी हमने सीखा है और जो अनुभव किया है कि ये हमारे नियमित दिनचर्या में हमारा मन कहीं ना कहीं उलझा रहता है, और यहाँ आकर के ध्यान करके हम उस सारी जो नकारात्मक बातें हैं उसको हम भूलने का प्रयास करते हैं, छोड़ने का प्रयास करते हैं, और दोबारा वैसा न करने के लिए संकल्पित होते हैं। तो बच्चे जो आज यहाँ पर किए हैं, उनके मन में भी बात आई होगी कि क्यों बैठना चाहिए। बैठना इसलिए चाहिए कि आपका मन एकाग्र होगा तो आपके सारे काम, पढ़ाई से लेकर के जो भी काम आप करना चाहते हैं, वो उसमें आपका ध्यान लगेगा और वो काम अच्छे से होगा। इसीलिए साहेब जी लोग बोलते हैं कि हर समय ध्यान करते रहो, चलते फिरते, काम करते, बाथरूम में रहते, नहाते, सब जगह ध्यान तब होगा जब आप ध्यान की प्रैक्टिस रहेगी। तो ध्यान करते समय मैंने भी अनुभव किया कि हमारा शरीर इतना हल्का हो जाता है, मैंने तो देखा कि बैठने के बाद शरीर है ऐसा नहीं लगता, शरीर ऐसा लगता है कि शरीर है ही नहीं है, सिर्फ जो है मन पर ध्यान जाता है, और मन पे एकाग्रता की बात जो है वो हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं। और इसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारा सारा वातावरण, घर का वातावरण, स्वयं का वातावरण बढ़िया अच्छा से रहेगा तो ये सब चीज़ संभव हो पाएगा। इसलिए जिन लोग ध्यान किए हैं वो लोग अपने घर में जा कर के वैसा वातावरण बनाएं, और जिन लोग यहाँ पर ध्यान शिविर में भाग लेना चाहते हैं वैसे ही वातावरण में वो जीना सीखें। तो ये जब तक हम जीना नहीं सीखेंगे ध्यान नहीं लगेगा, इसलिए अपने जीवन को सुधारें, निखारें और संकल्प लें कि ये ध्यान हम लगातार करते रहेंगे। मैं भी संकल्प लेता हूँ कि वैसे तो करता ही हूँ लेकिन पुनः उसको अच्छे ढंग से करने का प्रयास करूँगा, और जो कुछ भी उससे सरलता और सद्गुण हमारे अंदर आएगी वो निश्चित रूप से साहेब लोगों की प्रेरणा है। मैं पुनः आप सबका और संतों का बार बार आभारी हूँ कि आप सबके उपस्थिति में ये ध्यान शिविर हो रहा है। पुनः आप सबका अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। जय। बहुत सुंदर आपने एक बात कही कि नाना और दादा की प्रेरणा से तो बच्चे आ रहे हैं, पिता की प्रेरणा से किसी ने नहीं कहा कि हम पिता की प्रेरणा से आए हैं। तो ये संकेत समझ गए होंगे कि हर माता पिता को अपने बच्चे को आज का जो माहौल है, आज का जो वातावरण है, जिस प्रकार भौतिकता की ओर जो अंधी दौड़ में लोग लग रहे हैं, जिस प्रकार नशा व्यसन और अनेक प्रकार की जो मतलब गलत चीज़ों में बच्चे पड़ रहे हैं, उनसे यदि बचाना है तो आप अपने घर का माहौल आध्यात्मिक बनाइए और उनको, बच्चों को, चाहे लड़की हो लड़के हो, उनको समय समय से ऐसी जगह में लाएं, वो ध्यान करना सीखें, अपने में होना सीखेंगे तो निश्चित ही इन बुराइयों से बचे रहेंगे। अब ये आप स्वयं सब ये करें और लोगों को प्रेरणा दें, क्योंकि जो बच्चे होंगे ना, जैसे उनकी स्थिति बनेगी वैसे ही आपका भी भविष्य होने वाला है।
मैं कई परिवारों को जानता हूं कि बच्चे बिगड़ गए, माता पिता रोते हैं, क्या करें। इसलिए आप सबका दायित्व है। बहुत सारे लोग हैं, हमारे साधु बहने भी एकदम व्यवस्थित रूप से 7 दिन तक के ध्यान की हैं, लेकिन समय का तगाजा है, इसलिए हम सबको समय नहीं दे पाएंगे। एक साध्वी बहनों की तरफ से एक भजन गाएंगी, उसके बाद 2-3 के हम विचार सुनेंगे। साध्वी तारा, अच्छा वो क्या नाम, हाँ बच्ची आ जाओ। सुनार देवरी से एक बच्ची आई है, साध्वी बहन आप आ जाएं, भजन रखें। ममता, हेलो, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब जी, परम पूज्य गुरुदेव जी, उपस्थित संत समाज, साध्वी समाज एवं यहाँ उपस्थित माता बहनों, भाई बहनों, आप सभी के समक्ष मुझे भी श्री साहेब जी द्वारा आज्ञा हुई है एक भजन प्रस्तुत करने की। आज्ञा पालनार्थ एक भजन प्रस्तुत है। किसी प्रकार की त्रुटि अगर होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुर देवो गुरुर धर्मो, गुरुहनिष्ठा परम तपा, गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वम् गुरु परम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। छूलेने चरण कमल अब नहीं खोना, छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने बन जाने दो सुना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, न खोना न खोना न खोना, न खोना न खोना न खोना, सत्य धर
शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस पथ पर सत्य गुरु मेरा, सत्य गुरु ही बस रहता है। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस पथ पर सत्य गुरु मेरा, सत्य गुरु ही बस रहता है। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सागर में डुबोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे में आया। अब तुम मुझसे जोड़ लो बंधन, जन्म जन्म में भरे माया। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे में आया। अब तुम मुझसे जोड़ लो बंधन, जन्म जन्म में भर माया। धूल चरण की मिल जाए तू, धूल चरण की मिल जाए तो फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, खोना। ज्ञान के दाता प्रेम के सागर, खोया प्यार जगा दो आकर। जन्म मरण का बंधन काटो, मेरे प्यार को अमर बना दो। ज्ञान के दाता प्रेम के सागर, खोया प्यार जगा दो आकर। जन्म मरण का बंधन काटो, मेरे प्यार को अमर बना दो। तेरे नाम के सिवा साहिब जी, तेरे नाम के सिवा साहिब जी, जीवन में कुछ होना।
कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सुना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। बोलिए सद्गुरुदेव की साहेबंदगी। बहुत सुंदर। अब आए भजन के लिए, अब समय नहीं है, जो भी है एक भोजन में पूरा हो गया। हाँ, अब एक निवेदन है, भाई लोग भी जैसे बहुत दूर दूर बैठे ना, आप लोग सट के बैठे और थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए, आगे बढ़ करके, और माता बहने बहने भी, अब शायद साधी बहने आ गई हैं, तो आगे बढ़ करके आप लोग बैठ लीजिए। हाँ, जल्दी से आप लोग बैठ बढ़ करके बैठे, नहीं कुछ कुछ दो दो लाइन आप छोड़ करके, एक लाइन छोड़वा दें। जल्दी से बढ़ जाएं, बैठे। नहीं, 15 नहीं, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जो लोग आगे बढ़ने कह रहे हैं, आप लोग शांति से लोगों को सजेस्ट करें। अब आए, अब हम साधु बहनों के भी विचार सुनेंगे, जो साधु बहनें कुछ बहुत सारी साधु बहनें आई हैं और एकदम नियमित रूप से ध्यान के सत्र में भाग ली हैं, ध्यान की हैं। मैं सबको तो समय देना मुमकिन नहीं है। मैं पोटियाडी से आई हुई साध्वी संतुष्टि साहब से निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और आप कुछ मिनट में अपना अनुभव शेयर करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की, भक्त समाज की, मेरे मन मंदिर की आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ कुछ देर निवेदन है। मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सबको हिम्मत करना है,
शुरू शुरू में जब बैठते हैं तो शरीर भी साथ नहीं देता है, मेरा खुद का अनुभव है। अब तो आश्रम में आ गई तो लगातार बैठना होता है, लेकिन शुरुआत आश्रम में रहने के पूर्व जब मैं अटेंड की, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, किसी ने नहीं कहा कि हमारा पैर में दर्द हो रहा था कि कुछ। लेकिन जब मैं पहले बार यहाँ शिविर अटेंड की तो घुटनों में, दोनों घुटनों में इतना दर्द कि मैं चल नहीं पाती थी, और घर पर ही रहना होता तो शायद कर भी ना पाती। लेकिन संयोग ऐसा कि दूसरे साल मुझे आश्रम में दाखिल होना पड़ा। आश्रम में जब मैं आई तो लगातार ये क्रम चला, और आज मुझे महसूस होता है कि वाकई में ध्यान हम सबकी आवश्यकता है। जब मैं पहले बार यहाँ आई थी तो वही आप लोग बता रहे थे, वही बात मेरी भी थी, एक विचारों का क्रम चलता था। मैं एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहाँ मेरे माता पिता भैया भाभी कोई ऊँचे आवाज़ में बात नहीं करते थे, बहुत ही शालीनता से बात किया जाता था, और सब मेरा सम्मान करते थे, एक प्रकार से हर बात पूछते थे, कभी डांटते नहीं थे। तो वही बात याद आती थी कि मेरी भाभी इतनी अच्छी है, भाभी मुझे ये कहती थी, वो कहती थी, मेरे पिताजी ऐसे हैं, माँ ऐसी है, तो वो सब क्रम चलता था, कोई गलत बातें नहीं होती थी। फिर भी इसे सोचते सोचते सिर में दर्द होने लगा था, और इतना दर्द होता था कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन आज क्रम बिल्कुल उल्टा है, जब मुझे थोड़ा भी कुछ महसूस होता है, हरारत है या सिर में दर्द है, मैं सीधा ध्यान करती हूँ, और ध्यान से मुझे आराम मिलता है। आप लोग